Good morning, students. IP students, today we will discuss about reading CSV file and specifying own column names. Means, जब आप CSV file को Python में use करते हैं, then एक problem आती है कि sometime जो CSV file है, उसमें header row नहीं होती. Like this, ये notepad में आपको वही फाइल नजर आ रही है और यहाँ एक्सेल में भी आप सेम फाइल को देख सकते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेडर रो इसमें नहीं है, जस्ट एक कॉलम है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, एक कॉलम जिसमें नेम है और एक और कॉलम हमें लग रहा है कि ये हमारा लास्ट नेम का कॉलम है. तो ये फर्स्ट नेम हो सकता है, ये लास्ट नेम है और ये मे बी रोल नंबर है. ठीक है, चलिए वैसे मैं बता देती हूँ, ये रोल नंबर है, ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है. तो अगर हमें ये पता है कि इसमें ये कॉलम कौन कौन से हैं, सीक्वेंस का हमें पता है कि फर्स्ट नेम हमने किस लिए यूज किया है, सेकंड नेम हमारा क्या है और थर्ड कॉलम हमारा क्या है, बट हेडर रो हमारे पास सीएसवी फाइल में है नहीं, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस के लिए हमें क्या करना है, देखिए एक सॉल्यूशन है जो रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन हमारे पास है. जब हम यहाँ पाथ मेंशन करेंगे, इस पाथ के साथ हमें क्या करना है, हमें इसके साथ देखिए कॉलम की सीक्वेंस मेंशन करनी है. ठीक है, अब कॉलम्स की सीक्वेंस मेंशन करेंगे, उससे पहले देखिए एक चीज डिस्कस करती हूँ. अगर आप ये एज इट इज CSV फाइल को पाथ यहाँ मेंशन करके स्पेसिफाई करके डेटा फ्रेम के थ्रू इसको डिस्प्ले करते हैं, डेटा फ्रेम में सेव कर लेते हैं और डेटा फ्रेम को आपने यहाँ शो किया, इस फाइल को आपने यहाँ देखिए डेटा फ्रेम 2 में सेव कर लिया है. अब डेटा फ्रेम 2 को जब हम डिस्प्ले करेंगे ना, तो इस तरह की फाइल में क्या रहेगा, जो फर्स्ट रो होगी वो एज अ हेडर रो यहाँ डिस्प्ले होगी, बट फर्स्ट रो तो हमारा डेटा है. तो इस केस के लिए, इसको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम को, तो वहां हमें क्या चाहिए, कॉलम हेडिंग्स चाहिए. ये देखिए फर्स्ट रो तो हमारी हेडिंग्स नहीं है, ये तो हमारा डेटा है. तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट रो है ये हमारा डेटा है, अब इससे पहले इसकी हेडर रो यहाँ पे डेटा फ्रेम में डिस्प्ले होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ जब इसको फाइल पाथ को मेंशन करेंगे, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट हमें रीड सीएसवी फंक्शन का यूज करना है और वो है नेम फंक्शन. ठीक है, नेम्स आर्ग्यूमेंट फिर एक और हमें यहाँ स्पेसिफाई करनी है. नेम्स आर्ग्यूमेंट यूजर से सीक्वेंस ऑफ कॉलम को एक्सेप्ट करता है और वो भी सीक्वेंस में, जैसे फर्स्ट कॉलम जिस पर्पस के लिए था उसका नेम और फिर सेकंड कॉलम जो था उसका नेम और थर्ड कॉलम में जो वैल्यूज है उसका नेम. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज जो सीक्वेंस में आप डालेंगे वो, और वहाँ कॉलम में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सीएसवी फाइल में, वो दोनों मैच होने चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है. तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, तो हमने सेम वही फंक्शन यूज किया है, वही फाइल हमने माई डेटा डॉट सी एस वी को यहाँ पे हमने क्या किया है, इम्पोर्ट किया है और रीड सी एस वी फंक्शन यूज किया है, सेम डेटा फ्रेम 2 में ही हम डाल रहे हैं इसको, और लेकिन इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, नेम्स एक आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं, नेम्स एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और इसमें हम सीक्वेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट जो कॉलम था रो में वो वर्ल्ड वैल्यू थी रोल नंबर के लिए, सेकंड फर्स्ट नेम है और थर्ड लास्ट नेम है. तो अब देखिए जब आप इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करेंगे, df2 को आपने डिस्प्ले किया, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम के लिए उसने रोल नंबर हेडर रो में लिया है और सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट नेम उसने हेडर रो में लिया है और थर्ड कॉलम में उसने लास्ट नेम का हेडिंग लिया है. तो अब ये देखिए, अब हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है ना. लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं, सपोज हम ये चाहते हैं कि हमें देखो चाहते क्या है, हमें पता ही नहीं है कि फर्स्ट कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम क्या है और थर्ड कॉलम क्या है. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हेडर रो हम एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या है, हम यहाँ पे कॉलम्स को वन, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड 2, फिर थर्ड कॉलम को 3, इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यूज भी हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें जो एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा रीड सीएसवी फंक्शन का, वो है हमारा हेडर फंक्शन.
ठीक है, जैसे हमने यहाँ नेम्स एट्रीब्यूट यूज किया है, नेम आर्ग्यूमेंट यूज की है, ऐसे ही इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम्स आर्ग्यूमेंट वी कैन यूज हेडर फंक्शन, हेडर एट्रीब्यूट। तो हेडर एट्रीब्यूट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम क्या दे देते हैं, नन। तो हेडर मीन्स हम हेडर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसका कोई हेडर ले ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ हेडर को नन स्पेसिफाई करते ही क्या होगा, कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं वो 1, 2, 3 करके जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेडर रो में कॉलम्स को स्पेसिफाई करने की बजाय हम उसमें सीक्वेंस में 0, 1, 2, 3 इस तरह से हमारे कॉलम्स जो है अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, सेम वही फाइल हमने यहाँ एग्जांपल में देखो, ये तो सिंटेक्स है, ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं इसमें वही mydata.csv फाइल है जिसमें हमारे पास हेडर रो नहीं थी। अब हमने क्या किया है, हेडर एट्रीब्यूट को यूज किया है रीड सीएसवी फंक्शन के साथ, हेडर इज इक्वल टू नन, हमने वहां से हेडर को हटा दिया है। और हेडर को एक्सक्लूड कर लेने से ये क्या करेगा, जब डाटा फ्रेम को हम डिस्प्ले करेंगे तो उसके फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 डिस्प्ले करेगा, सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 डिस्प्ले करेगा, और फिर एंड जो जितने भी कॉलम्स होंगे 2, 3, 4 इस तरह से ये डिस्प्ले करेगा। तो मेंस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हम हेडर रो को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम नेम्स एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, और अगर हम हेडर रो को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, हमें हेडर रो मेंशन ही नहीं करनी और हमारे पास सीएसवी फाइल में हेडर रो थी नहीं, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हेडर नन कर सकते हैं कि हमें हेडर नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अब ये देखिए, लेकिन उस केस में क्या करें, जब हमें ना तो ये 0, 1, 2, 3 इस तरह से चाहिए और ना ही हमें हेडर रो चाहिए, तो वहां हमें क्या करना है, और या फिर हम चाहते हैं कि अपनी हेडिंग हेडर रो डिस्प्ले करें, और साथ में ये देखिए हम किसी रो को स्किप भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये देखो अगर हम यहाँ पे नेम्स को यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स अगर हम देते हैं, नेम्स यूज किए हमने, तो ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स इस तरह से ले रहा है, और हमारी जो फर्स्ट रो थी ये थी 1, 2, 3 करके थी, है ना, जबकि ये हेडर रो नहीं है। हमें ये पता है कि फर्स्ट कॉलम हमारा किस लिए है और सेकंड किस लिए और थर्ड किस लिए है। सपोज सीएसवी फाइल में हमारी फर्स्ट रो इस तरह से है, ठीक है, और जो कि हमारे डेटा का पार्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें, अगर हम यहाँ हेडर नन करेंगे तो वो तो 0, 1, 2, 3 कंसीडर करेगा, सीक्वेंस देंगे तो वो सीक्वेंस अपीयर हो जाएगी। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम अपने जो नेम्स की सीक्वेंस है, ये देखो इस तरह से नेम्स की जो सीक्वेंस है हम वो तो मेंशन करें, साथ में हम एक और काम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जितने हम स्टार्टिंग से बिगनिंग से स्किप करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सपोज हमारी कोई रो है जो हमारी मतलब यूज की नहीं थी, हमें उसको डिस्प्ले नहीं करना स्टार्टिंग से ही, ठीक है, बिगनिंग से ही, और हमारी वो हेडर रो भी नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है हमारे इसमें डेटा फ्रेम में, तो हम उस रो को स्टार्टिंग वाली कुछ रोज को या बीच में से रेंडमली किसी नंबर ऑफ रोज को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, स्किप रोज, ये स्किप रोज जो एट्रीब्यूट है ये यूज करना है, और ये एन क्या है, ये कौन सी कितनी रोज आपको स्किप करनी है, ठीक है, यहाँ आप ये मेंशन करेंगे। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, वही सेम mydata.csv हम नेम मेंशन कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली हमारी रो थी 0, 1, 2, 3 हम उसको क्या करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो इसने क्या किया, स्किप रो 1 मीन्स बिगनिंग से फर्स्ट रो को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। अब हमारी चॉइस का डेटा जो है हमारे पास है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग लाइक दिस, है ना, यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से डिस्प्ले ना करके इस फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो हमारी ये थी, तो अब यहाँ से हमने क्या किया है, ये देखो इस वाल यहाँ इस एग्जांपल में फर्स्ट रो हमारी यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और काम कर सकते हैं,
बस नंबर ऑफ रोज, अगर आपको बीच बीच में जैसे कि कोई रो बीच में आपको फिफ्थ रो आपकी कोई डेटा आपका यूज का नहीं है, 10th रो आपका में आपका डेटा यूज का नहीं है, तो रेंडमली आप नंबर ऑफ रोज को, डिफरेंट रोज को आप स्किप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्किप रोज इस एट्रीब्यूट के साथ वो सीक्वेंस देनी है लिस्ट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो नंबर ऑफ रोज जो है स्किप हो जाएंगी और उनको छोड़ करके बाकी का जो डेटा होगा वो डेटा फ्रेम में डिस्प्ले हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए, इससे ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 एज वेल एग्जाम्पल 2। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और जितने भी हमने आज ये मेथड्स किए हैं, एट्रीब्यूट्स किए हैं, स्किप रोज, हेडर, नेम्स, इनको प्रैक्टिस करके देखें, और जो कॉन्सेप्ट हमारे थ्योरी वाले इसमें अपीयर हुए हैं उनको आप लर्न करें। एक चीज और डिस्कस करती हूँ, वो क्या है, समटाइम क्या होता है जब आप CSV फाइल को पाइथन में इंपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना जिसके पास सिस्टम है। तो जब हम CSV फाइल को पाइथन में इंपोर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पाथ भी हम मेंशन कर चुके होंगे, तो वहां एरर प्रोड्यूस होगी, और इस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जो डबल स्लैश आप देख रहे हैं ना, ये डबल स्लैश, अगर आप ये डबल स्लैश यूज करोगे ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल स्लैश, तो एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप पाथ मेंशन करते हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पाथ में सिंगल स्लैश लिए हैं तो आप सिंगल को डबल कर दें, बस इतना सा आपको काम करना है, और वो जो पाथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो जाएगी। बट एक और चीज आपको ये चेक करना है कि पाथ एग्जैक्टली जो था वही आपने मेंशन किया है या नहीं किया है, बस आपके जो कनेक्टिविटी है CSV फाइल की पाइथन में वो हो गई है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना कनेक्ट करके कोई भी प्रोजेक्ट फ्रेम कर सकते हैं। तो जस्ट अपना प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो अपना माइंड में फ्रेम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो टाइम है वो इस चैप्टर के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम है, प्रोजेक्ट मेकिंग का टाइम है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, पहले इस चैप्टर को करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो सोच लीजिए कि आप क्या बनाएंगे। ओके, बाय।